रॉयल एयरफोर्स के चार टाइफून FGR-4S जेट विमान वॉयेजर टैंकरों की एक जोड़ी के साथ उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। खबर है कि अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं ने सोमवार रात यमन में ईरान के समर्थन वाले हूथियों के 8 ठिकानों पर बमबारी की है। ये दूसरी बार है जब दोनों सहयोगियों ने हूती विद्रोहियों की मिसाइल प्रक्षेपण क्षमताओं पर एक साथ मिलकर जवाबी हमले किए हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने बीती रात एक वीडियो फुटेज जारी किया है जिसमें उसके टाइफून लड़ाकू विमानों को साइप्रस में रॉयल एयरफोर्स बेस से उड़ान भरते हुए दिखाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन ने हूतियों के मिसाइल स्टोर, ड्रोन और लॉन्चरों को नष्ट करने के लिए युद्धपोत और पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली टॉमहॉक मिसाइलों और लड़ाकू जेट विमानों का इस्तेमाल किया है। सैन्य अभियान पर चर्चा के दौरान अधिकारियों ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड ने भी खुफिया तौर पर इस मिशन में योगदान दिया है। 6 सहयोगी देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि इन हमलों ने विशेष रूप से हूती विद्रोहियों के अंडरग्राउंड स्टोर, मिसाइल स्टोर और हवाई निगरानी की क्षमता को नुकसान पहुंचाया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि 4 रॉयल एयरफोर्स टाइफून जेट विमानों ने सटीक निर्देशित बमों के साथ सना हवाई इलाके के आसपास के 2 सैन्य ठिकानों पर कई हमले किए। ब्रिटेन के रक्षा सचिव ग्रांट शॉप्स ने कहा, इस हमले का मकसद हूतियों की ताकत को कम करना था और इससे उनके सीमित भंडार और वैश्विक व्यापार को खतरे में डालने की ताकत पर एक और झटका लगेगा। इस संयुक्त अभियान में अमेरिकी और ब्रिटिश युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों ने 28 अलग अलग जगहों पर 60 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। अक्टूबर में इसराइल हमास युद्ध की शुरुआत के बाद से समुद्री रास्तों से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों को हूती विद्रोही लगातार ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बना रहे हैं। कई महीनों से हूती यमन के आसपास के इलाके के जलमार्गों में उन जहाजों पर हमला कर रहे हैं जिनके बारे में उनका कहना है कि वो या तो इसराइल से जुड़े हुए हैं या इसराइली बंदरगाहों की तरफ जा रहे थे। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।